इंडिया गठबंधन की गांठें उलझ गई हैं। बिहार में, महाराष्ट्र में गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सीट शेयरिंग पर पेच। आपको याद हो तो ये बिहार है जहां के नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के लिए अलग जगाई थी। विपक्षी एकता को मजबूत कर सीट दर सीट बीजेपी को घेरने की तैयारी हुई थी, लेकिन नीतीश कुमार क्या गए, इंडिया गठबंधन के बुरे दिन शुरू हो गए। अब आलम यह है कि बिना सीट शेयरिंग का ऐलान हुए ही राष्ट्रीय जनता दल टिकटों का बंटवारा कर रही है। आरजेडी ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है उसकी लिस्ट आपको आगे दिखाएंगे। अभी आरजेडी कांग्रेस के बीच फंसे पेंच को देखिए। बिहार में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है, लेकिन दोनों के बीच सहमति के तार अब तक नहीं जुड़ पाए हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक लालू और तेजस्वी के संपर्क में है कांग्रेस, लेकिन इस संपर्क से सहमति की गुंजाइश कितनी बनेगी जब बिना फॉर्मूले के ऐलान के ही आरजेडी अपनी लिस्ट फाइनल कर रही है। ताजा लिस्ट के मुताबिक लालू यादव अपनी दोनों बेटियों मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को लोकसभा का टिकट दे दिया है। मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से लड़ेंगी चुनाव, जबकि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। दोनों बेटियों के अलावा आरजेडी ने उजियारपुर से आलोक मेहता का टिकट फाइनल कर दिया है। बांका से जयप्रकाश नारायण को टिकट दिया है। बक्सर से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और जहानाबाद से सुरेंद्र यादव आरजेडी के प्रत्याशी होंगे। किसी गठबंधन में हम लोग हैं तो मिल बैठ करके बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक किस्म से संयुक्त बयान जाता है कि साहब हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि इनको यहाँ से टिकट दिया जाए, इनको वहाँ से टिकट दिया जाए। वो तो हुआ नहीं इसमें। अब सीट शेयरिंग की जो बातचीत हो रही थी वो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, वो गए थे उसमें। उनकी क्या बातचीत हुई राजद के साथ हम उनको मालूम नहीं है। सिर्फ इतना पता है कि हमारे अध्यक्ष चले गए हैं दिल्ली हाईकमांड से बात करने। शायद उनको ये कहने जा रहे हैं कि राजद सहमत नहीं है हमारे सजेशन से, तो अगर ऐसा है तो क्या किया जाए आगे। बिहार में इंडिया गठबंधन में शामिल दल एक पेज पर नहीं है। दो दिन पहले का घटनाक्रम पूरी कहानी बयां करता है। तब कहा गया कि आरजेडी कांग्रेस को 7 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ कांग्रेस कम से कम 9 सीटों की डिमांड कर रही थी। सूत्रों के मुताबिक 17 मार्च की मुंबई की रैली के बाद तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक हुई थी। बैठक में तेजस्वी ने कांग्रेस को 8 लोकसभा सीटें देने का प्रस्ताव दिया। इस पर वेणुगोपाल ने कम से कम 9 सीटें देने की डिमांड की। केसी वेणुगोपाल का तर्क था कि 2019 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी। 2019 में कांग्रेस 1 सीट जीती भी और आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। हालांकि मुंबई से लौटने के बाद आरजेडी ने अपना ऑफर वापस ले लिया और दिल्ली में आरजेडी ने कांग्रेस को 8 से घटाकर 6 सीटें देने का प्रस्ताव दिया। और अब कहा जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। और इस बीच लालू यादव ने सीटों के बंटवारे से पहले पार्टी का सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। बिहार में लालू कैसे कांग्रेस के साथ खेल कर रहे हैं, अब जरा वो भी समझिए। लालू ने गया सीट से कुमार सर्वजीत को सिंबल दे दिया है। अभय कुशवाहा को औरंगाबाद से प्रत्याशी बनाया है। विनोद यादव को नवादा से आरजेडी का सिंबल मिला है। तो बिहार में विपक्ष का सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनने से पहले बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और बिहार ही क्यों, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक इंडिया गठबंधन की गांठें इतनी उलझ गई हैं कि समय रहते सुलझती नहीं दिख रही। चलिए अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर सरकार चला सकते हैं? क्या देश का संविधान किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की इजाजत देता है? और क्या देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल जाने के बाद सीएम को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है? ऐसे कई सवालों के जवाब आप हमारे इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले
पिछले दो महीने में दो सिटिंग सीएम गिरफ्तार हो चुके हैं। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से ठीक पहले झारखंड के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। तो सवाल है कि क्या कोई सीएम जेल से सरकार चला सकता है? अगर कोई सीएम जेल में बंद हो तो क्या वो सरकारी फाइलों पर दस्तखत कर सकता है? क्या वो कैबिनेट की बैठक ले सकता है? और क्या वो अपने मंत्रियों से जेल में मुलाकात कर सकता है? जेल में बंद एक सीएम क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से हर किसी के मन में घूम रहा है। तो चलिए देश के संविधान में और कानून की किताब में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी मंत्री को जेल जाने पर पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अगर किसी मंत्री को दो या दो साल से ज्यादा की सजा मिल जाती है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। संविधान में किसी सीएम को जेल से सरकार चलाने पर भी कोई रोक नहीं है, लेकिन एक पेच जरूर है और वो है जेल अथॉरिटी की मंजूरी। जेल से सरकार चलाना कितना प्रैक्टिकल होगा, ये जेल के नियमों से लेकर जेल प्रशासन की इजाजत पर निर्भर करता है। क्या सीएम केजरीवाल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए या सभी मंत्रियों को बुलाकर कैबिनेट मीटिंग कर सकते हैं, फाइलों पर दस्तखत कर सकते हैं, ये पूरी तरह से जेल प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर करता है। बिना जेल प्रशासन की मंजूरी के सीएम केजरीवाल कैबिनेट मीटिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो जेल से ही सरकार चलाने की मंशा रखते हैं। तो इसमें जेल प्रशासन की एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। डेफिनेटली कोई फर्स्ट, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, आपके सामने झारखंड के हुए हैं, पहले भी हुआ है लेकिन लालू जी हुए हैं। लेकिन गिरफ्तारी होना अगर किसी के खिलाफ ऑफेंस है, कोई अबाबती लॉ तो है नहीं, चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, आपके सामने इंदिरा जी हुई हैं, नरसिम्हा राव जी पर केस चले हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं। अब जरा भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा भी एक नजर डाल ली जाए। किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी सीएम पद पर बने रहने वाले शायद पहले सीएम हो सकते हैं और जो जेल से अपनी सरकार चलाएंगे। केजरीवाल से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। इस तरह तमिलनाडु में जयललिता भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुई थी, तब उनके इस्तीफे के बाद पनीर सेल्वम को मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार होने के बाद सीएम पद से इस्तीफा दिया, जिनकी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी कि कानून बाध्यता न होने पर भी राजनीतिक नैतिकता और परंपरा की लाज रखते हुए इन नेताओं ने सीएम का पद छोड़ दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल शायद ऐसा न करें और भारतीय राजनीति में एक नई रवायत शुरू करें, जेल से सरकार चलाने की रवायत। चुरू जिले की सादुलपुर तहसील का गांव भैंसली इन दिनों एक घर में लग रही रहस्यमय आग और दो मासूम बच्चों सहित तीन लोगों की मौत के बाद सुर्खियों में आ गया है। हालात ये हो गए कि इस गांव के लोग इसे काला जादू या कोई प्रकोप समझकर दहशत में आ गए, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये कोई काला जादू नहीं बल्कि साजिश थी। देखिए इस रिपोर्ट में। न तंत्र मंत्र, वो था एक सुनियोजित षड्यंत्र। खुल रहा राज, दंग है समाज। जमाना है बेकरार, क्लाइमेक्स का है इंतजार। घर में रहने वाले तीन अलग अलग लोगों की बारी बारी से रहस्यमय तरीके से मौत। पहले घर के मुखिया भूप सिंह की मां कस्तूरी देवी की, उसके बाद भूप सिंह के 8 साल के बेटे की, फिर 4 साल के गर्वित की। तीनों मौतें ठीक 13-13 दिन बाद हुई। मौत का तरीका एक जैसा, खून की उल्टियां और फिर मौत। अभी घर वाले मौत के पीछे की वजहों को टटोल पाते, अपनों को गवाने का सच जान पाते, तब तक घर वालों पर आग का कहर टूटना शुरू हो गया। जी हाँ, तीसरी और आखिरी मौत के बाद अचानक उस घर में आग लगने का सिलसिला शुरू हुआ। दीवार पर एक खूंटी है, खूंटी पर एक कपड़ा टंगा है,
आसपास कुछ भी नहीं है और अचानक उस कपड़े में आग लग जाती है। ग्रामीण खौफ में आ गए, भूप सिंह के घर पर पहरा देना शुरू किया, लेकिन लपटों की विनाश लीला शांत होने का नाम नहीं ले रही। 28 दिन के अंदर अंदर हमारे 3 मौत हो गई, उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं, जगह जगह आग लगती है, कभी रसोई में लग जाती है, कभी कमरे में लग जाती है, कभी बिस्तर में लग जाती है, कभी चारपाई पर लग जाती है। इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब मौत और आग के सिलसिले का सच जानने के लिए घर वालों ने CCTV लगाए, तो एक दिन कैमरे का डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी कि DVR ही जल गया। शक अब यकीन में बदल चुका था। पहले तो ये सोच रखा था कोई काला जादू है, अब जो पुलिस जो जांच कर रही है उनसे बताने में ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई न कोई षड्यंत्र है। तो सोडियम है, सोडियम को तो हम कहेंगे खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस, अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। कोई एक पोटेशियम है जैसे, तो पोटेशियम बहुत ज्वलनशील है, बहुत क्रियाशील आता है, तो उससे भी आग लगने की संभावना होती है। 13 मार्च को पुलिस ने दफनाए गए 4 वर्षीय बच्चे के शव को निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया, विसरा को विसरा जांच के लिए FSL भेजा। जांच में गर्भित को जहर देकर मारे जाने की बात सामने आई, वहीं आग लगने की घटना के पीछे सोडियम का उपयोग सामने आया। पुलिस को पोस्टमार्टम और FSL रिपोर्ट का इंतजार था। दोनों रिपोर्ट आने के बाद बच्चे को जहर देने और सोडियम से आग लगाने की बात सामने आ गई। पुलिस अब जल्द ही इस केस का खुलासा कर सकती है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिरकार तीनों को जहर किसने दिया और बार बार आग क्यों लगाई जा रही थी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक बार फिर से एक अलग अंदाज देखने को मिला। जोधपुर हाउस में सीएम भजनलाल ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया और जोधपुर हाउस के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ फूलों की होली मनाई, साथ ही सीएम सिक्योरिटी यूनिट के साथ भी होली मनाई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, फूलों की होली आप देख सकते हैं, जो सिक्योरिटी में तैनात है उनके साथ भी यहाँ पर सीएम होली मनाते हुए नजर आए। जोधपुर हाउस कल दिल्ली में थे सीएम और इस दौरान सीएम की तरफ से फूलों की होली खेली गई। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में भक्तों ने गोविंद देव जी के साथ रंग गुलाल से होली खेली। मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त उमड़े, लोग अपने साथ ईश्वर देव के साथ होली खेलकर काफी उत्साहित भी नजर आए।
करौली के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह की शुरुआत मुरली क्लास में हुई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। ब्रह्मा कुमारी सेंटर की संचालिका बीके कविता बहन और बीके सुप्रिया दीदी ने बताया कि अलौकिक होली मिलन समारोह में होली के गीतों पर बालिकाओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिसे देख कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालु झूम उठे। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फूल बरसाकर होली खेलते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। होली त्यौहार पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के बाजार गुलजार हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। होली को लेकर लोग खरीदारी के लिए उत्सुक भी नजर आ रहे। कोटपुतली की दुकानों और थड़ी ठेलों पर नई नई डिजाइनों की पिचकारी, टोपी, मुखौटे, अलग अलग प्रकार के रंग, गुलाल बिक्री के लिए रखे हुए हैं। लोग जमकर अबीर गुलाल की खरीदारी कर रही हैं। इस बार काफी युवा हर्बल रंग खरीद रहे हैं, तो वहीं बंदूक वाली पिचकारी बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आ रही है। बाजारों में महिलाएं भी सामान खरीदने में काफी व्यस्त दिखाई दी। होली का खुमार लोगों पर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन बीकानेर के धरनीधर मैदान में खेले जाने वाली होली बेहद अनोखी है, जहां लोग फुटबॉल मैच के जरिए होली खेलते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहां आपको पीएम मोदी से लेकर भगवान राम तक फुटबॉल मैच खेलते नजर आ सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं बीकानेर के धरनीधर मैदान की, जहां आपको पीएम मोदी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल फुटबॉल मैच खेलते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी समेत कई नेता आपको नजर आ रहे होंगे। इतना ही नहीं, नेताओं के अलावा साक्षात भगवान राम, हनुमान समेत कई देवी देवताओं के दर्शन भी आपको यहाँ हो जाएंगे। आप परेशान ना हो, ऐसा सिर्फ होली के मौके पर संभव है। और हर साल बीकानेर में स्वांग के रूप में धरनीधर मैदान फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है। इस मैच की खास बात ये है कि इसमें खेलने वाले खिलाड़ी मशहूर हस्तियों के स्वांग भरते हैं। प्रचार के लिए नहीं, ये हमारा परिवार है, परिवार में सबको आना जाना पड़ता है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मोदी को वोट दो, मोदी को तो वोट अपना मिलता है। कुछ कहने को बच्चा नहीं है, मेरी यह इच्छा हो रही है कि मेरे परिवार को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। मुझे जेल में नहीं छोड़ा जा रहा है, मेरे सभी साथियों को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया है। अब मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, और मुझे यहाँ पे मंच दिया गया है कि आप यहाँ आओ। होली के मौके पर आयोजित होने वाले इस फुटबॉल मैच में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों में भगवान शिव, राम, हनुमान, फिल्म अभिनेता, राजनेता के अलावा रावण, यमराज और कई दूसरे लोग भी शामिल थे। फुटबॉल मैच में भाग ले रहे इन कलाकारों का मेकअप और गेटअप इतना प्रभावी होता है कि किसी को भी ये समझते देर नहीं लगती कि कलाकार किस ओर इशारा कर रहा है। इसलिए मेरे को सर पे चोट लगने के बावजूद भी बीकानेर आना पड़ा, और मैं आकर के बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं सबसे निवेदन करता ही हूँ कि सब ज्यादा से ज्यादा 19 तारीख से शुरू होने वाले लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं, क्योंकि मतदान कर कर के ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले लोग भी काफी खुश नजर आते हैं। फंक्शन पहली बार देखा है मैंने, कोई सब अलग अलग गेटअप लेकर आए, कोई मोदी जी का, राम जी का, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। कितना एंजॉय करें, बहुत एंजॉय किया। यहाँ केजरीवाल भी बन के आई, मायावती भी बन के आई, और यहाँ ममता बनर्जी भी आए, मोदी जी भी आए। ऐसे फागण के इस होली के उत्साह पूर्व सबको आनंद देने के लिए केजरीवाल जी को और भगवान जी को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई है। ऐसा भी यहाँ एक नाटक के रूप में हुआ है। होली के मौके पर देश के अलग अलग कोने से अलग अलग तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन बीकानेर में जिस तरीके से होली के मौके पर फाल्गुनिया फुटबॉल मैच खेला जाता है, वो अपने आप में अनोखा है। बीकानेर की होली अपनी अल्लड़पन के वजह से काफी प्रसिद्ध है, और इसी का नज़ारा आज यहाँ देखने को मिला, जहाँ फाल्गुनिया फुटबॉल के माध्यम से स्वांगों ने अलग अलग स्वांग धर के फुटबॉल का मैच खेला और लोगों को इस होली के रंग में रंगने का प्रयास किया। बरसों से ये मैच इसी तरह से खेला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि बीकानेर की होली बरसाने से होली से किसी भी रूप में कम नहीं मानी जा सकती। बीकानेर से न्यूज 18 के लिए विक्रम जागरवाल।
तो वहीं पेड़ और वन्य जीवों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला विश्नोई समाज पर्यावरण संरक्षण और अपनी आस्था के चलते होली दहन नहीं करता है और ना ही रंग गुलाल का उपयोग करता है। इसके पीछे इसकी धार्मिक मान्यताएं हैं। समाज के 29 नियम बने हैं, अधिकांश पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हैं। पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। उनके अनुयायियों का मानना है कि होली दहन में लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और ज्वाला के दौरान सैकड़ों कीट पतंगे इसमें गिरकर मर जाते हैं। इसलिए समाज के लोग होली दहन के दौरान कहीं ज्वाला भी देखना पसंद नहीं करते। विश्नोई समाज के लोग होलिका दहन रंग गुलाल से दूर रहकर प्रकृति के संरक्षण के लिए हवन पूजा पाठ आयोजित करता है। होलिका दहन के दूसरे दिन गाँव के जुम्भेश्वर मंदिर में जाकर प्रहलाद के चरित्र का पाठ किया जाता है। भगवान जम्भेश्वर की शब्द वाणी का पूरा पाठ होने के बाद कलश स्थापित किया जाता है। रामाशमा के दिन सुबह को गुरु जम्भेश्वर भगवान के निज मंदिर पर जाकर और सभी विष्णु समाज के युवा और बुजुर्ग और बच्चे और माताएं और बहनें सभी एकजुट होकर के विष्णु वेशभूषा में जैसे पुरुष धोती चोला साफा सफेद कपड़े पहन करके 120 शब्दों का पाठ संतों के सानिध्य में हवन करके और पाल बनाते हैं। अगली खबर सीकर से है, जहां पानी की किल्लत से परेशान लोगों के सब्र का बांध आज टूट गया। मोहल्ले के दो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए और पेयजल समस्या के समाधान की मांग करने लगे। दो युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर पुलिस और जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोहल्ले के भी काफी लोग वहां पर जमा हो गए और पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों ने तुरंत ही वार्ड के ट्यूबवेल को ठीक करने का काम शुरू किया, जिसके बाद आज ही पूरी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इसके बाद लोग दोनों युवक टंकी से उतर गए। विनोद सैनी नामक दो लड़के जो कृषि उपज मंडी के पास गहलोत कॉलोनी है, वह पानी की समस्या को लेकर जो वाटर की सरकारी टंकी है उस पर चढ़ गए थे। मोहल्ले वालों को पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इन साहब जो पीएससीडी डिपार्टमेंट के उपस्थित है, जिन्होंने इनकी समस्या का समाधान आश्वासन दिया और जो ट्यूबवेल साफ था उसको सुचारू करवाया जा रहा है। इस पर दोनों जो टंकी पर चढ़े युवक हैं सैकुल कुशल नीचे उतर गए हैं और समझाइश करने के पश्चात उस समस्या का समाधान हो